स्टूडेंट वेलकम होम एंड लेट्स सी व्हाट वॉज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू प्लेस इन इंडिया तो सबसे बड़ा रोल किसका होगा ब्रिटेन का एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल सुनने में बहुत अच्छा लगता है और शायद उसका इंपैक्ट आज अच्छी तरीके से हमें पता चल जाएगा बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज सिल्क एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया वर एक्सपोर्टेड अक्रॉस द ग्लोब आई शेयर यू वन फैक्ट और नॉट अ फैक्ट इट्स देयर इन योर चैप्टर ऑल्सो ऑलमोस्ट थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द फिनिश गुड इन द वर्ल्ड मार्केट यूज टू कम फ्रॉम इंडिया विच मीन्स मोर देन हाफ एक्चुअली सोचो एक ही कंट्री है और वो थर्टी थ्री परसेंट जो है फिनिश गुड्स आपको दे रहा है पूरी दुनिया को द मैटर इज नॉट थर्टी थ्री परसेंट द मैटर इज द क्वालिटी जो इंडियन गुड्स की क्वालिटी थी पूरे दुनिया में कोई भी गुड्स उनसे कॉम्पिटिट नहीं कर सकता था वी आर गोइंग टू टॉक लिटल मोर ऑन दिस पार्ट कोर्सर कॉटन वॉर प्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्रीज बट द फाइन वराइट टू कम फ्रॉम इंडिया द्लोथ स्पेशली एट दैट टाइम ओनली ब्लू वॉज द कलर अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी वन वाई बिकॉज इट यूज टू कम फ्रॉम इंडिगो इंडिगो वॉज अ नेटिव प्लांट ऑफ इंडिया एंड द बेस्ट क्वालिटी द बेस्ट कलर ऑफ इंडिगो यूज टू कम फ्रॉम इंडियन इंडिगो तो वो आप किसी भी दूसरे जगह से कंपेयर नहीं कर सकते थे इवन द इंडिगो विच इज कमिंग फ्रॉम कैरेबियन आइलैंड वो भी कोई मैच नहीं था यूरोप में बहुत कुछ ट्राई किया कि वो इंडिया के जैसा को कहीं से उगा सके बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे और शायद ये जो हमारा मेरिट है ना दिस बिकेम डी इसी की वजह से हम इतने लंबे समय तक कॉलोनाइज रहे अ वाइटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट एंड ट्रेड देखिए जब शुरुआत में टेक्सटाइल्स आई तो हमारे इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे और बैंकर्स थे वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं हमारे पास फाइनेंस है पैसा है बहुत बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास सिस्टम नहीं है तो आई यूज़ माई मनी एंड आई गॉट द सर्विस फ्रॉम दी अदर्स तब जाके मैं यहाँ पर इन्वेस्टर या बैंकर या फिर एक ओनर बना हूँ सो नाउ यू टू टॉक अबाउट आ रोल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस काइंड ऑफ थिंग अब बिजनेस डील्स ऑफ अ थिंग हाउ द बिजनेस इज रिलेटेड यू रिमेंबर यू आर डूइंग अबाउट द इंग्लैंड एड वी टॉक्ट अबाउट द मर्चेंट्स हाउ दे मूव फ्रॉम द सिटी टू द कंट्री साइड सेम थिंग इज हयर इन इंडिया और यहां पर उन्हें हम कहते हैं सप्लाई मर्चेंट सो नाउ दे आर लिंकिंग द पोर्ट टाउन्स टू द इंगलैंड रीजन आपके लिए शायद यही क्वेश्चन हो जाए कि हाउ सप्लाई मर्चेंट लिंक द पोर्ट टाउन्स टू द इंगलैंड पार्ट ऑफ द इंडिया सो वो जो चीज आपने पढ़ी थी बिल्कुल वही सेम नथिंग नो चेंज बस वर्ड में आपको सप्लाई लिख देना है वहां पर सिर्फ मर्चेंट बात कर रहे थे तो सप्लाई मर्चेंट्स दे यूज टू गिव एडवांसेस टू वीवर्स दे प्रोक्यूर द वन क्लोथ फ्रॉम द वीविंग विलेज एंड देन कैरीड सप्लाई टू द पोर्ट्स लिंक हो गई नाउ एट द पोर्ट बिग शिपर्स एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैड द ब्रोकर्स नाउ वॉट दे यूज टू नेगोशिएट द प्राइज एंड देन सप्लाई मर्चेंट यूज टू ऑपरेट एंड दिस इज हाउ दे यूज टू ऑपरेट विद द इनलैंड व्यूवर्स और द मर्चेंट्स तो सप्लाई मर्चेंट एक तरीके से ब्रोकर ही है और या फिर आप सेल करने वाला पॉइंट ले लीजिए कि वो जा रहे हैं गाँव में वो चीजें लेकर आ रहे हैं देन यहां पर वो बात करते हैं किससे ब्रोकर से और ब्रोकर से बात करते हैं मर्चेंट से ये एक चेन है इंडिया का ट्रेड चेन है देखिए दिस वॉज द टाइम वेर इन इवन द वर्ल्ड वॉर ऑल्सो स्टार्टेड एंड दे विल टॉक अबाउट हाउ What was the impact of world war on Indian industries? So, was it good or bad? It was good. This was the time when we became an industrial country. And why? Because see, England was busy in the war. The main country was so the production of the industrial in England declined. When that declined, we took the opportunity and we started producing those industrial goods which is required for the soldiers, for example, the bags. दी क्लोथस द शूज़ दी सैडल एवरीथिंग, जो कुछ उन्हें लगता था वो सब हम प्रोड्यूस कर रहे थे इससे हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और हमारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई प्लीज़ डू कीप दैट इन माइंड ऑल्सो यहाँ पर सप्लाई मर्जन सबसे इम्पॉर्टेंट है नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल हाउ वी गॉट इन टू इंडस्ट्रीज वेन द इंडस्ट्रीज केम टू इंडिया हु वॉट इट वो सारी चीज़ें हैं तो सेवनटीन फिफ्टी कंट्रोल बाई इंडियन मर्चेंट जिसकी हम पहले बात करते स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन तो रीजन होगा कि क्यों ये चेंज जो बहुत स्ट्रांग है ये क्यों ब्रेक हो रही है टू केट दस सेवनटीन फिफ्टीज यहाँ पर अभी फिलहाल इन इंडिया यू हैव द मेजर यूरोपियन पावर रूलिंग अर्स सबसे लास्ट इंग्लिश हैं उससे पहले हमारे पास फ्रेंच हैं पोर्चुगेज हैं और डच हैं तो आप सोचिए कि आप एक मर्चेंट हो और आपसे खरीदने के लिए फॉरेन पावर्स हैं वो भी चार चार स्ट्रांग पावर्स तो कहीं ना कुछ कुछ ना कुछ चेंज आएगा यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन पावर नाउ व्हेन दे टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंपनी दे आर ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ वेरियस कंट्रीज फ्रांस का ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारे ट्रेड करने के लिए इंडिया के पास आए हैं दिस रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली थ्रू विच द एक्सपोर्ट यूज टू टेक प्लेस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वॉट वॉज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ सूरत एंड हुगली नाउ यू नो बो दिटीज स्पेशली सूरत इज नो मोर अ पोर्ट बट इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा था सूरत इट डिक्लाइं बिकॉज ऑफ द राइज इन पावर ऑफ द कोलोनियल कंपनीज दे केम एंड दे स्टार्टेड न्यू पोर्ट्स दे वॉन्टेड बिग्गर पोर्ट्स To accommodate bigger ship, to take big amount of load and then they can go and trade with England or European countries. Surat was an inland port, not good enough to actually take the huge ships which they were planning or which they were bringing with. So rise of Bombay and Calcutta led to the decline of Surat and Hooghly. Reason was very simple. Tha. अगर बॉम्बे और कलकत्ता बढ़ रहा है दिस इज इंडिकेटिंग द ग्रोथ ऑफ कोलोनियल पावर इन इंडिया एंड डिक्लाइनिंग ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज इन अवर कंट्री इसीलिए हमारे पुराने पोर्ट्स डिक्लाइन हो गए और नए पोर्ट्स ऊपर आ गए ट्रेड थ्रू दिस न्यू पोर्ट्स केम टू तो बी कंट्रोल्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज अगर आप देखो तो बॉम्बे जो पोर्ट है जो कोलकाता का पोर्ट है जो चेन्नई का पोर्ट है ये इंग्लिश लोगों ने बनाए हैं और कोलकाता के नज़दीक कौन सी पोर्ट थी हुगली बॉम्बे के नज़दीक कौन सी पोर्ट थी सूरत और चेन्नई के नज़दीक कौन सी पोर्ट थी मसूलीप्टनम या फिर मछलीपट्टनम ये तीन पोर्ट डिक्लाइन हो गए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है इस पार्ट से सेकेंड पार्ट से कि वाई डिड दीज पोर्ट डिक्लाइन या हाउ वुड यू इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ कोलोनियल पावर वट टॉप द न्यू पोर्ट्स वो राइज इन कॉलोनियल पावर है तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है न वॉट हैपन टू आर व्यूवर्स जो इतना प्रोड्यूस करते थे जो इतनी अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रोड्यूस करते थे अब ये पूरा उनके बारे में बात करेंगे गोमस्तास ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा आई एम श्योर वन ऑफ योर फ्रेंड और माइट बी यू वुड बी इन इन सम सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस वे यू नीड सम लाइसेंस टू ट्रेड और उसे हम कहते हैं गोमस्तास लाइसेंस तो ये वर्ड जो है वो इंग्लिश लोगों ने फ्लोट किया है उनके आने से भी पहले से इंडिया में था तो गोमस्तास वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द सप्लाई फ्रॉम द वीवर्स हु इज अपॉइंटिंग दिस गोमस्तास नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द गोमस्तास अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी और द इंग्लिश कंपनीज वीवर्स लॉस देयर बार्गेनिंग पावर एंड लैंड फॉर द सेटलिंग लोन अब ये कैसे हो गया अब दोनों चीजों को रिलेट करने के लिए एक छोटा सा किस्सा सुनिए या हाउ दिस इज हैपनिंग सी गोमता व पीपल हु यूज टू गो टू द रूरल एरिया दे यूज टू गेट द वर्क डन टेक द गुड्स ब्रिंग इट बैक टू द मार्केट एंड सेल इट ये इनका रोल है अब सबसे बड़ा काम फॉर एग्जाम्पल मैं ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ इंग्लिश कंपनी हूँ आई एम फाइंडिंग इट रियल डिफिकल्ट टू ट्रेड विद इंडियन मर्चेंट्स वाई बिकॉज आई एम द लास्ट इन द लाइन ऑलरेडी देयर इज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अ डच ईस्ट इंडिया कंपनी अब इन दोनों से मुझे कॉम्पिटिट करना है पोर्चुगेज ईस्ट इंडिया कंपनी तीन से मुझे कॉम्पिटिट करना है तो मैं अगर वीवर हूं तो मेरे पास बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरे पास चार खरीदार हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि आई नीड टू ब्रेक दिस चेन और वो चेन ब्रेक करने के लिए दे ब्रॉट अ न्यू सिस्टम उन्होंने अपने पेड गोमस्था लेके आए पेड गुमस्ता मीन्स आई विल बी कीपिंग यू ऑन अ सैलरी तो यू आर गोइंग टू वर्क फॉर मी नाउ वॉट यू आर सपोज टू डू यू गो टू द रूरल एरिया गो टू द कंट्री साइड परचेज द गुड्स फॉर मी ब्रिंग इट टू मी डोंट सेल इट टू एनी वन एल्स एंड येस इफ आई एम गिविंग यू सेल यू यर गोन्क फॉर मी तो इनका द वे ऑफ वर्किंग वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड गोमस्थाज और आपको ये क्वेश्चन आ सकता है अ डिफरेंस बिट्वीन ओल्ड गोमस्थाज एंड द न्यू पेड गोमस्थास सी वाई विवर्स लॉज द बार्गेनिंग पावर बिकॉज ऑलरेडी यू टूक द लोन फ्रॉम मी

बिकॉज एट एनी कॉस्ट दे हैव टू प्रोड्यूस द गुड फॉर देयर ओनर जो थे इंग्लिश लोग तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो क्लैश बिटवीन द व्यूअर्स एंड द गोमस्थाज सी द एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिहाइंड अपॉइंटिंग द गोमस्थाज वॉट वॉज टू चेंज दिस सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट देडी न्यू क्योंकि हम सबसे वीक पढ़ रहे हैं तो मुझे वो सिस्टम बदलना था एंड आई वॉन्टेड टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन आपको ये क्वेश्चन आ सकता है हाउ

ये कभी कभी सिपाही लेके चले जाते और फिर मारते तोड़ते सामान लेते बिल्कुल जैसे आज के रिकवरी एजेंट्स होते हैं दिस इज हाउ दे यूज टू वर्क न ये जो था इसकी वजह से जो रिलेशनशिप थी गोमस्तास के बीच में और व्यूवर्स के बीच में वो खराब हो गई पुराने गोमस्ताज जो थे सी दे इज़ टू स्टे इन विलेजेस फॉर सम टाइम दे इज़ टू हैव अ गुड रेपोर्ट विद दिस पीपल दे यूज़ टू गिव देम इनफॉर्मल क्रेडिट समटाइम्स हेल्प करते थे दे इज़ टू अंडरस्टैंड द रीज़न और यहाँ पर रीजन नहीं आई वॉन्ट फाइनल रिजल्ट एंड माई प्रोडक्ट दैट्स द रीजन वाई ये पसंद भी नहीं किए जाते थे कंपनी व्यूवर्स वर नॉट अलाउड टू सेल देयर प्रोडक्ट टू अदर बायर्स एक दफा आपने मुझसे लोन ले लिया तो आप वो चीज़ मेरे लिए ही करोगे तो यू आर एक्चुअली टाइड अप विद दिस कमिटमेंट लोन ग्रांटेड व्यूवर्स बाय ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू सेल देयर गुड्स ओनली टू द गोमस्ता फ्रॉम होम यू हैव टेकन द लोन बिल्कुल वही लाइन है वापस से उन्होंने वैसे ही रिपीट कर दी है और सबसे ज्यादा जब डिमांड था कॉटन का वो कब आया जब अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गई व्हेन अमेरिका वॉज इन सिविल वॉर नाउ कॉटन सप्लाई फ्रॉम अमेरिका स्टॉप टू इंग्लैंड अब इंग्लैंड को अगर कॉटन सप्लाई नहीं मिलेगी तो सारे टेक्सटाइल मिल्स बंद हो जाएंगे सो वेयर दे हैव टू लुक फॉर द कॉटन इट वॉज इंडिया देन दे रियलाइज ओ वी नीड टू कम अप एंड मेक सम्रास्टिक चेंजेस नहीं तो सारे मिल्स बंद हो जाएंगे और उन्होंने बहुत जल्दी ये चेंजेस ले भी आए इसीलिए हमारी अगली टॉपिक है मैंचेस्टर कम्स टू इंडिया ओह मैंचेस्टर कैसे आ जाएगा गुड्स फ्रॉम मैंचेस्टर केम टू इंडिया ना वाई ओनली मैंचेस्टर आपको पता है अहमदाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों क्योंकि ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स हैं तो आपसे एक फैक्ट शेयर करता हूँ पूरे इंग्लैंड में या फिर मैंचेस्टर इज दी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल ड्यूरिंग दिस टाइम एटीन हंड्रेड से लेकर नाइनटीन फिफ्टी तक मैंचेस्टर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहा है कॉटन टेक्सटाइल गुड्स का तो वो गुड्स इंडिया आता है और कैसे इंपैक्ट करता है इज दिस टॉपिक मैनचेस्टर कॉटन हैड बिगेन टू बी इंपोर्टेड इन इंडिया वहां से अब इंडिया आने लग गया चीजें इंडिया एक्सपोर्ट एंड लोकल मार्केट डिक्लाइंट क्वेश्चन आएगा वाई स वर फोर्स टू बाय द कॉटन एट हायर प्राइजेस अगेन क्वेश्चन वाई वीवर्स इन इंडिया वर स्टार्ड ऑफ सप्लाई एंड फोर्स टू बाय रॉ कॉटन एट एक्सोबरेंट हाई प्राइजेस क्वेश्चन इज वाई ना इन दिस सिक्युशन वीविंग और वीवर्स कुड नॉट पे दमाउंट और द रेंट और द लोन क्वेश्चन इज वाई तो इसमें आंसर कहाँ है चलो लिसन केयरफुली व्हाट्स हैपनिंग You are a weaver in India. You are weaving, and then you finish a good, and then you sell in the market. You have a good bargaining power. Now everything that has been stopped because of the new system. What is the new system? Gomastas. They will come. They will pay me advance. I am happy. I am getting money in hand, and then I am utilizing that money for my production. So doing my production kar raho. Now problem is I cannot give any reason for the delay in production, nor I can sell the produced good to any other. सप्लाई मर्चेंट बिकॉज मैंने एडवांस ले लिया है अब ऐसा होने लगा कि कॉटन ज़्यादा किस को चाहिए मैनचेस्टर को चाहिए द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कॉटन फ्रॉम द इंडिया यूज टू गो टू मैनचेस्टर फॉर देयर इंडस्ट्रीज नाउ वॉट इज लेफ्ट इन योर कंट्री इज द कोर्स कॉटन नाउ ओनली कोर्स कॉटन इज लेफ्ट एंड द प्राइज आर हाई क्योंकि प्रोड्यूस जो है जो गुड जो है मार्केट में वो कम है तो एज एन वी वर यूज टू बाय अ कोर्स कॉटन एट अ हायर रेट

आपको अपना काम धंधा बंद करके कुछ और सोल्यूशन देखना होगा दिस इज वॉट ऑल द क्वेश्चन एंड द आंसर हेयर सो प्लीज़ रिमेंबर दिस स्टोरी रिमेंबर दैट यू आर अ वीवर रिमेंबर दैट यू लॉस्ट योर बार्गेनिंग पावर रिमेंबर दैट यू गॉट द कोर्स कॉटन बिकॉज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कॉटन वेंट टू इंग्लैंड रिमेंबर दैट यू आर टाइड विद अ बॉन्ड विद अ गोमस्थास एंड देन हाउ दे ट्रीट यू तो फिर सीधी सी बात है कि ये सारा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर होना ही है नाउ मूविंग अ हैड फैक्ट्रीज कमिंग अप अब हमारी फैक्ट्रीज की बातें होंगी बस ये आपके पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं यह आपको कैसे भी याद रखने हैं नो टीचर कैन हेल्प यू आर्ट इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस बट येस आई कैन गिव यू अंड ऑलवेज कीप द डेट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यू विल हैव ऑल योर मिल्स रेडी एटीन फिफ्टी फोर फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल केम इन इंडिया इन बॉम्बे सबसे पहला मिल 1855 फर्स्ट जूट मिल केम इन बंगाल। एटीन थर्टी टू एटीन फोर्टी जेंटलमैन द्वारकानाथ नाथ सेट अप सिक्स जॉइंट स्टॉक कंपनीज बहुत अमीर है सिक्स जॉइंट स्टॉक कंपनीज मतलब छह इंडस्ट्रीज सेट की इसने इन्होंने अपने पैसों से और देखिए जब भी भी जॉइंट स्टॉक होता है आप जानते ही हो आई हैव मनी बट आई डोंट हैव टेक्नोलॉजी नॉर आई हैव मशीन नॉर आई हैव मैनेजमेंट सो इज गोइंट टू गिव मी दैट इंग्लिश इंग्लिश पीपल तो हमने उनके साथ मिलकर या इन्होंने उनके साथ मिलकर जॉइन स्टॉक कंपनी शुरू की टिल दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन कंट्रोल मोस्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज़ वो रीज़न यही था कि हमें चलाने नहीं आती थी इंडस्ट्रीज और वो हमारी इंडस्ट्रीज़ को चलाते थे बट चीज़ें धीरे धीरे चेंज हुईं वी आर गोइंट टू टॉक अबाउट आर अर्ली एंट्रप्रोनर्स जो हमारे शुरुआत के इंडस्ट्रीज शुरू करने वाले लोग हैं इनमें कुछ नाम होंगे और जगह होंगी और कैसी इंडस्ट्री शुरू की है बस उनके बारे में हम बात करेंगे देखिए आर हिस्ट्री गोज बैक टू अ लॉन्ग वे विद द ट्रेड रिलेशनशिप विद चाइना स्पेशली थ्रू द सिल्क रूट एंड देन सिल्क रूट यू नो इट्स अ नेटवर्क ऑफ रूट ऑन लैंड एंड ओशन विच वॉज वेरी वेल कनेक्टेड विद इंडिया एंड चाइना तो समथिंग फ्रॉम इंडिया गोज टू चाइना एंड समथिंग फ्रॉम चाइना कम्स टू इंडिया बस इसमें आपको वो समथिंग लिखना है और इसमें ट्रेड किसने की वो लिखना है आंसर डन ब्रिटिश इन इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपीएम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड उफ़ एक बहुत बड़ी टॉपिक है ट्राइंगुलर ट्रेड बिटवीन इंडिया इंग्लैंड एंड चाइना इट्स फॉर ओपियम एंड टी एंड दिस वॉज इन क्लास नाइन्थ अनफॉर्चुनेटली द चैप्टर इज डिलीटेड और ओमिटेड बाई सीबीएसई फॉर यू तो हाउ वुड यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक आई टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस देखिए चाइनीज जो लोग थे उन्हें ओपियम की लत लगा दी ब्रिटेन ने उन्हें पता था कि यहाँ पे ओपियम की लत लगेगी तो ये हमें चाय पत्ती देंगे अब वो क्यों क्योंकि उन्हें लत थी चाय की इंग्लिश पीपल यूज टू लाइक टी टी इज नॉट अवेलेबल इन इंग्लैंड टी इज ओनली अवेलेबल इन चाइना बट चाइना इज नॉट रेडी टू ट्रेड विद इंग्लैंड they want only gold and silver to give you tea once they started buying tea their all treasury was almost about to be an empty now what to be done they need to find out a commodity with china like so that i can give a commodity and i can take a commodity and they found it in opium तो उन्होंने चाइनीज लोगों को ओपीएम की लत लगा दी ओपीएम कहां से आता था इंडिया से सो ओपीएम फ्रॉम इंडिया यूज टू गो टू चाइना टी फ्रॉम चाइना यूज टू गो टू इंग्लैंड इंग्लैंड का एक भी रुपया इसमें नहीं लगता था बहुत स्मार्ट है इसीलिए इन्होंने ओपीएम यहां से उगाई वहां भेज दी वहां से टी अपने घर ले गए और दिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड मेड ए प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग ओनली इन ओपीएम एंड टी बट ड्यूरिंग द सेम टाइम जब ये ट्रेड बढ़ गई सी ओपीएम इज गोइंग फ्रॉम इंडिया टू चाइना तो यू नीड टू हैव अ ट्रेड रूट तो सबसे क्लोज चाइना के लिए हमारे जो है, मेट्रो सिटीज हैं उनमें है कोलकाता इसीलिए न्यू पोर्ट ऑफ कोलकाता केम एंड अ जेंटलमैन हूम वी टॉक्ट अबाउट इन द अर्यर स्लाइड द्वारकानाथ टैगोर इन्वेस्टेड हिज फॉर्च्यून इन शिप बिल्डिंग एंड ट्रेडिंग इन ओपीएम दैट्स आउ ही मेड लॉर्ड ऑफ मनी Now in Bombay, the other city on the western side, Parsis took the opportunity of trading the same thing with these English people. And the notable Parsis are Dinshaw Petit, Jamshedji Nusranwanji Manji, Tata, Joseph famous family hai, industrial family in India, ki, who built the huge industrial empire in India, but they all accumulated their wealth by trading with China and England some or the other way. जैसे जैसे ये ट्रेड डिक्लाइन हुई इनकी फॉर्च्यून भी काफी लेवल पे कम हो गई ऐसे ही एक बहुत फेमस नाम है सेठ हुकुमचंद ही ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग विद चाइना एंड ही केम अप विद दी जूट टेक्सटाइल मिल इन कोलकाता तो ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे जिन्होंने काफी पैसा कमाया बट ही वॉज अ मारवाड़ी सो फ्रॉम राजस्थान वेंट देयर नाउ वेन दी अपॉर्चुनिटी ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट केम

सो दे बिकम द इंडस्ट्रियलिस्ट सप्लाई मर्चेंट्स भी बहुत इंडस्ट्रियल हो गए बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए नाउ थ्री ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक कंपनीज और द कंपनीज विच इन्वेस्टेड इन इंडिया वर द बर्ड हेगलर एंड कोऑपरेशन, ये पहली कंपनी है एंड्रू यूल दूसरी कंपनी है एंड जार्डिन एंड स्किनर ये तीन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो इंडियन पैसे को इन्वेस्ट करती थी इंडस्ट्रीज़ में और मैनेज करती थी िस एजेंसी इज मोबिलाइज वॉट कैपिटल पैसा एंड सेटअप द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ड्यूरिंग द्वारका नाथ टगोर्स एपिसोड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वर्कर्स सो वेयर विल वर्कर कम फ्रॉम वेयर डिड द फर्स्ट मिल केम बॉम्बे सो वर्कर्स कहां से आएंगे लॉजिक है ना अगर आपके घर के नजदीक स्कूल खुला है बहुत अच्छा तो बच्चे किसी दूसरे शहर से को तो नहीं आएंगे पहले तो नजदीक एरिया से आएंगे देन दे विल स्टार्ट कमिंग अप फ्रॉम द डिफरेंट सिटीज अब उसी चीज़ को आप एग्जाम्पल में रखिए कि जहां पर जो इंडस्ट्रीज खुलती थी वहां पर लोकल लेबर्स ज़्यादा होते थे वंस द डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल लेबर स्टार्टेड इंक्रीजिंग दीज लेबर स्टार्टेड कमिंग अप फ्रॉम द नियर बाई डिस्ट्रिक्स सो वैन द फर्स्ट मिल इन बॉम्बे केम द लेबर केम फ्रॉम द नियर बाई डिस्ट्रिक्स ऑफ थाने रत्नगिरी एंड सिंधुदुर्ग यहाँ से लेबर्स आने लगे

द लेबर फोर्स माइग्रेटेड द सेम वे लेबर्स फ्रॉम द कच स्टार्ट मूविंग टू बॉम्बे द मर्चेंट फ्रॉम द सूरत ऑलरेडी सेटल्ड इन बॉम्बे दिस इज योर राइज ऑफ बॉम्बे डिक्लाइन ऑफ सूरत एंड मूवमेंट ऑफ लेबर्स आप एक चीज याद रखिये बॉम्बे आईलैंड ग्रुप था छोटे आईलैंड ग्रुप दे वर नॉट हैविंग द नंबर ऑफ लेबर्स दे वॉन्ट ज्यादातर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द लेबर्स वर्किंग इन बॉम्बे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर द माइग्रेंट

entry to the mills was also restricted. normally you cannot walk in and get a job. very often the jobber was the old, trusted worker. he got people from his village up. very often jobber to a title. Hai. jobber is someone who gives job to the people who are working, who are coming from the different, different villages. also he is the head of the place where they are staying, especially cholls, we can say. Now.

ही यूज टू ब्रिंग द न्यूज ऑल्सो पोलिटिकल न्यूज शेयर होते थे और काफी कुछ तो एक अच्छी छोटी सी अथॉरिटी थी जैसे कि मैंने कहा सरपंच ही बिगेन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट फ्रॉ हिज फेवर वो होता है ना कि अगर आप जॉब दोगे तो इन रिटर्न आई नीड टू गिव यू समथिंग वो फेवर रिटर्न करना होता है तो धीरे धीरे ये भी करप्ट पॉलिसीज जो हैं वो यहाँ पे आ गई क्रॉप होने लगी नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज ओवर टाइम हाउ एवर एज यू विल सी और एज यू नो दे आर वर स्म प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स सी तो साइमल्टेनियसली द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज ओवर टाइम वो फ्लो होने लगे आने लगे हर जगह से बट देन स्टिल देर वर स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर सारे जो वर्कर्स थे वो यहाँ नहीं आए हैं स्टिल द प्रोडक्शन इन इंडिया इज डूइंग गुड इन द कंट्री साइड वीवर आर डूइंग फैंटेस्टिक जॉब

Welcome back to Age of Industrialization and we are on to the last topic, almost last topic. The topic is the peculiarity of industrial growth in India. See, understand. Herein, you are still a colonized country. Colonizer is Europe, and the managing agencies of Europe are managing your industries. We say na joint stock aapka sirf paisa hai management. Kin ka hai? English logo. Ka hai. सी दे वॉन्ट रॉ मटीरियल विच इज़ रिक्वायर्ड बाय देयर इंडस्ट्रीज दे आर नॉट बॉर्दरिंग वॉट योर कंट्री वॉन्ट वॉट योर पीपल वॉन्ट सो वॉट इज देयर रिक्वायरमेंट इंडिगो वाई फॉर कलर नहीं होली खेलने के लिए नहीं कपड़ों को रंगने के लिए इंडिगो चाहिए एंड देन कपड़ों के लिए आपको क्या चाहिए कॉटन सो दे इन्वेस्टेड इन कॉटन इंडिगो जूट ना वाई जूट जूट का तो कोई कपड़ा नहीं पहनता है यार एक्सपोर्ट भी तो करोगे पैकिंग किसमें करोगे जूट में तो ज्यादातर जो इनका इन्वेस्टमेंट था वो था माइनिंग इंडिगो एंड जूट बट दे ऑल्सो परचेस्ड लैंड ऑन अ चीपर रेट यू रिमेंबर नाइन्थ ग्रेड वी हैड अ चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियल इंडिया देर इन वी सेड फोर्थ पॉइंट एट अ वेरी चीप रेट दे परचेज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इन असाम एंड देन दे सोल्ड इट टू द इंग्लिश प्लांटर्स जहाँ पर उन्होंने टी और कॉफी प्लांट करने चालू किए कहां से गए बीच में काम करते करते सिप फॉर एनर्जी नो रिमेंबर द ट्राइंगुलर ट्रेड इंग्लैंड इंडिया एंड चाइना चाइना को ओ पी एम देंगे तब तो वहां से चाय आएगी एंड द सेम वे दे इंट्रोड्यूस टी इन इंडिया सो दैट दे कैन फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट मूविंग अहेड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच दे वर टेकिंग फ्रॉम इंडिया वर एक्चुअली फॉर देयर इंडस्ट्रीज नॉट फॉर अदर इंडस्ट्रीज नाउ अब हमारा क्या होगा सो इंडियन बिजनेसमैन अवॉइडेड कॉम्पिटिटिंग विद डैम लॉजिक ये था कि बॉस वो बहुत बड़े हैं बिजनेस मैन वो बहुत पहले से हैं और वो रूलर हैं वो रूल बनाते हैं तो यू नॉट कॉम्पिट विद डैम अब सोल्यूशन क्या होगा सोल्यूशन बहुत आसान सा था कि वी एक्चुअली स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कोर्स कॉटन यान वाई कोर्स बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू मैनचेस्टर तो मार्केट में बचेगा क्या कोर्स अब वो कोर्स आप लेते थे अब उससे अच्छे कपड़े तो बनेंगे नहीं तो आप क्या कर रहे थे यू स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ओनली यान अब जो यान बनाओगे उसको आप अपने व्यूवर्स को बेचोगे या फिर यू विल एक्सपोर्ट टू सम कंट्री वेयर देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ एंड दैट वॉज चाइना तो हमने हमारा यान जो प्रोड्यूस किया वो चाइना को एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिया बट देन वन बिग चेंज केम ड्यूरिंग द सेम टाइम अ स्वदेशी मूवमेंट तो स्वदेशी मूवमेंट इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन इन हिस्ट्री इन लोअर क्लासेस दे सेड यू परचेस द गुड मेड बाय इंडियंस तो इफ़ यू आर एन इंडियन बाय एन इंडियन प्रोडक्ट एंड इंडियन गुड्स तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ मार्केट पे और जो एक्सपोर्ट था वो इंडियन यान का चाइना के लिए वो डिक्लाइन हो गया अब वो क्यों डिक्लाइन हो गया कि हमने सारे खरीद लिए नो चाइना वॉज फ्लडेड विद देयर ओन प्रोडक्शन एंड वॉट वॉज कमिंग फ्रॉम जापान क्योंकि वॉर के वक्त जापान जो था उन्होंने चाइना को कॉलोनाइज कर दिया तो जापान अपने इंडस्ट्रियल गुड्स बेचेगा तो वो इंडिया से क्यों मंगाएगा और वैसे भी ब्रिटेन का जापान दुश्मन है तो ये लॉजिक आप याद रखिए सो दैट आपको ये फ्लो बना रहे नाउ सो आर इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगिन शिफ्टिंग फ्रॉम यान टू क्लॉथ प्रोडक्शन अब यान तो कोई लेगा नहीं तो हमें अपना बिजनेस डाइवर्सीफाई करना होगा तो हमने अब पहली बार कॉटन क्लॉथ प्रोडक्शन शुरू किया यान हम अभी भी अब चल रहा है बट देन फुल प्रोडक्शन नहीं है अब देखते हैं होता क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ ड्रामेटिक न्यू सिचुएशन वाई इज दैट वी सेंड आर वीवर्स टू फाइट ओवर देयर नो या फिर उनको गोली लगने से कपड़े फट जाते थे तो सिलने के लिए वीवर भेज दिए नो सी इफ यू आर एट वॉर हु विल सप्लाई द वॉर गुड्स इंग्लैंड वॉर में है देयर इंडस्ट्रीज हैव दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द बैटल नॉट फॉर द पीपल तो उनके लिए कहां से आएगा तो दैट दीज गुड्स विल कम फ्रॉम इंडिया और दिस इज द रीजन वाई इंडिया बिकेम इंडस्ट्रियल कंट्री एंड इट बिकेम सो गुड नाइस एंड स्टेबल इट मेड वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैनचेस्टर टू रीगेन इंडियन मार्केट वर्ल्ड वॉर वन के बाद और वर्ल्ड वॉर टू के बाद ज्यादातर चेंजेस यही हुआ है खास करके वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो कॉटन प्रोडक्शन था दैट कोलेब्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लोथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली क्योंकि इंडिया में अब क्लॉथ प्रोडक्शन शुरू हो चुका था एंड स्वदेशी मूवमेंट जोर शोर पर था पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन फैक्ट्रीज लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पावर एंड देयर मार्केट मेकिंग इट रियल डिफिकल्ट फ्रॉम मैंचेस्टर टू री गन द लॉस्ट फोर्ट पर उस वक्त कुछ और भी चेंजेस हो रहे थे खास करके स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज में हैव यू एवर हर्ड आई मीन आई एम श्योर इफ़ यू आर लाइक वीन टू सम प्लेसेज पर्टिकुलरली इन बनारस और इन मैसूर यू विल फाइंड आउट कि कुछ पर्टिकुलर क्वालिटी का गुड्स जो है यहाँ प्रोड्यूस होता है विच इज़ नो मैच टू एनी अदर गुड्स प्रोड्यूस एनी वेयर इन द वर्ल्ड बनारसी सारी कांजीवरम सारी पटोला फ्रॉम गुजरात एंड देन पश्मीना शॉल फ्रॉम काश्मीर सी ये ऐसी चीज़ें हैं जो तब भी हाइस्ट क्वालिटी की थी तब भी बहुत अच्छे रेट पर बिकती थी और आज भी ये जो इंडस्ट्रीज हैं दे नेवर डिक्लाइन अनादर रीजन हिस्टोरिकली एंड एज पर द टॉपिक अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द मिल्स वर कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन सर्टन पॉकेट्स स्पेशली बंगाल क्योंकि कोलकाता जो है नया सिटी uh, है डेवलप्ड बाई द ब्रिटिशज देन द नेक्स्ट वन वॉज बॉम्बे एंड कोलकाता तो बाकी जगह पर क्या हो रहा है तो चेन्नई कोलकाता बॉम्बे को छोड़ के बाकी जगह क्या हो रहा है द प्रोडक्शन इज गोइंग इन कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एज यूजल जो पहले होता था तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपांडेड दिस टाइम क्योंकि अब देर इज अ फ्लो ऑफ मनी एंड नाउ दे हैव न्यू मार्केट तो टू कैप्चर द न्यू मार्केट यू ब्रिंग योर बेस्ट प्रोडक्ट

द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो ये बहुत जानी पहचानी सी चीज़ है चरखा मोस्टली रिलेवेंट टू गांधी जी बट ये कितना आउटडेटेड है ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने खिलौना बनाया कैन यू इमेजिन दिस वी थिंग्स दिस पीपल यूज टू यूज टू प्रोड्यूस द बेस्ट इन द वर्ल्ड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है एंड इन्हीं चीजों में चेंजेस आए ये बेटर हुए तो पेस ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज

बट देन हाँ एक सेक्शन है जिसकी ग्रोथ जरूर हुई है दे लिव हार्ड लाइव एंड वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स स्टिल दे आर ऑल्सो कॉम्पिटेटिंग विद फिनिश गुड्स ऑफ मिल्स जो इंडियन हैं और ब्रिटिश गुड्स भी हैं पर ख़त्म नहीं हुए हैं ये सबसे पॉजिटिव चीज है क्योंकि चैप्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन है और प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं दे आर टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स देर इज नथिंग बेटर देन प्लानिंग टू सेल योर प्रोडक्ट सो द टॉपिक इज मार्केट फॉर गुड्स यहाँ पे टेक्सटाइल की बात करेंगे एंड हाउ दे कैप्चर द इंडियन मार्केट या फिर आज भी कैसे होता है यू नो वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो ना एडवर्टाइजमेंट वॉट इज द इम्पोर्टेंस इंपॉर्टेंस इज दे क्रिएट नीड इन यू वो इस हिसाब से प्रोडक्ट को दिखाएंगे कि उसको आपकी बहुत जरूरत है एंड देन यू विल बाय इट यही मार्केटिंग है यू रिमेंबर अ गिवेन एग्जाम्पल फेयर एंड लवली क्रीम वो आपको ऐसे दिखाएंगे कि आप क्रीम लगाएंगे और सात दिनों में आप पूरे गोरे हो जाएंगे स्टिल दैट क्वेश्चन रिमेन्स कि यार क्रीम तो फेस पे लगाते हैं तो पूरी बॉडी कैसे गोरी हो जाती है दैट्स अ डिफरेंट पार्ट और एक चीज़ इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद वाइट कलर स्किन एंड इंग्लिश और ये दोनों किसकी गिफ्ट हैं ये हैं इंग्लिश लोगों की तो ये मैंटेलिटी कैसे वर्क करेगी विल सी हियर सबसे पहला चीज यू आर एन ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर यू आर गोइंग टू सेल अ प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट कैसे बेचोगे प्रोडक्ट कोई भी नई चीज जब मार्केट में आएगी इफ आई एम नॉट फेम्युलर विद द गुड आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट मैं नहीं खरीदूंगा ये मैंटेलिटी है तो वॉट आई डू आई एल एडवर्टाइज नाउ एडवर्टाइजमेंट बिकॉज आई एल क्रिएट द नीड्स इन द माइंड ऑफ पीपल वंस द नीड इज क्रिएटेड नाउ दे विल स्टार्ट बाइंग द गुड्स और मैं उसको अलग अलग तरीके से एडवर्टाइज करूंगा तो एडवर्टाइजमेंट याद रखिए और वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन योर नोटिस ऑल दिस टॉपिक्स विल कम फॉर थ्री मार्क्स सेपरेटली हाउ एडवर्टाइजमेंट वेस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केट ऑफ द गुड्स हाउ दे यूज एडवर्टाइजमेंट टू रीच टू द इंडियन मार्केट ये इंग्लिश लोगों को ध्यान में रखते हुए है देखिए एडवर्टाइजमेंट हैव प्लेड अ पार्ट इन एक्सपांडिंग द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स एंड शेपिंग अ न्यू कंज्यूमर कल्चर इंडिया में वही है ना बेटा पहले लग्जरी कार्स के कभी है? हमने एड ही नहीं देखे टी वी पे ना वट इज यू सी द एड्स ऑफ लग्जरी कार्स सो दैट दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन द माइंड ऑफ पीपल दैट येस दिस इज वन सेक्टर एंड यू नो इंडिया के जो टू परसेंट रिच हैं दे कैन स्पेंड अ लॉर्ड ऑफ मनी ऑन दिस सेक्शन तो इस तरीके से इफ आई गो बैक टू नाइनटीन सेंचुरी यहाँ पर एक कंज्यूमर की मार्केट को शेप किया गया था नई तरीके से थ्रू एडवर्टाइजमेंट दूसरा बट द लेबलिंग आई नो आई हैव सीन मेनी टाइम माई फ्रेंड्स दे देल कामा पैन देल They're talking this way, they want to show the watch they have bought and especially the clothes. Labeling like this one. Especially, I'll just turn around and show. Boss Peteringland, Alan Soli, the biggest brand in the market. They want to show off. Why? Because that names give you a comfort, a class. So, this was a label which actually rocked the Indian market. Made in Manchester. मैनचेस्टर कहाँ है इंग्लैंड में है इंडियंस वैन दे आर वेयरिंग द गुड्स ऑफ मैनचेस्टर दे र्स टू एक्चुअली शो ऑफ टू दी अदर्स देखो मैं मैनचेस्टर का गुड पहन रहा हूँ मैं अंग्रेजों का गुड्स पहन रहा हूँ दे ऑलवेज यूज टू लाइक टू शो ऑफ और हाँ जो ट्रेडिशनल जो कॉन्जर्वेटिव इंडियंस थे वो टीज करते थे फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा हिंदी मूवीज़ में कि इंडियन जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी उन्हें दिखाया गया है कि दे आर वेयरिंग अ कोट बट दे आर वेयरिंग धोती नाउ आई हैव नेवर सीन एन इंग्लिश मैन वेयरिंग अ धोती एंड अ कोट सो इट्स अ कॉम्बिनेशन इन लोगों को हम कहते थे बाबू ये बाबू जो है एक सार्कास्टिक कमेंट थी वे पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू कॉपी द इंग्लिश कल्चर बट एक तरीके से ये था कि लोगों तक ये नाम जा रहे थे मेड इन मैनचेस्टर ऑल और इसी हिसाब से उन्होंने इंडिया की काफ़ी मार्केट कैप्चर की अब आते हैं कुछ और चीज़ अब आप सोचिए कि आप एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किए हो और आपको वो प्रोडक्ट बेचना है नॉट इन दिस टाइम गो बैक टू नाइनटीन नाइनटीन हंड्रेड थर्टी फोर्टी फिफ्टीज कैलेंडर्स प्लीज लुक एट दिस कैलेंडर गणेश जी हैं एंड देन यू हैव ऑल द मंथ्स आपको पता है अगर किसी प्रोडक्ट को आपको किसी को हर रोज याद दिलाना है तो रैदर दैन कमिंग ऑन टेलीविजन वैसे भी टेलीविज़न थे नहीं आई सेल द कैलेंडर्स हर रोज़ आप कैलेंडर देखोगे डेट के लिए दिन के लिए और भगवान जी की तो आप पूजा करते हो कि इंडिया जो है वो एक रिलीजियस कंट्री है तो इनको आप फेंकोगे नहीं पूरे साल भर तक आप दीवार पे लगा रखोगे और उसके बाद हर रोज़ मेरे प्रोडक्ट को आप देखोगे ही कैलेंडर का वो बहुत बड़ा रोल था ना सी एवरी डे पीपल आर गोइंग टू सी माई प्रोडक्ट सेकेंड थिंग दे हैव अ इमेंस रेस्पेक्ट टू द गॉड एंड गॉडेसेस क्योंकि रिलीजियस कंट्री है थर्ड थिंग दे वर चीप फोर्थ थिंग इंडियंस यूज टू डेकोरेट वॉल विद द वेरियस कैलेंडर्स तो श्री गणेश जी के हैं तो दूसरे भगवान के लगाएंगे तो इस तरीके से दे यूज़ टू डेकोरेट द वॉल ऑल्सो और मेरी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से हो रही थी डे बाई डे कंज्यूमर मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है उससे ज़्यादा मुझे चाहिए क्या फिर एक और चीज़ आई इंटरेस्टिंग सी इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस एंड पर्सनेजेस मैं इंग्लिश आदमी हूँ मैं एक इंग्लिश कंपनी हूँ मुझे इंडिया में अपना गुड्स बेचना है तो मेरी जो मार्केटिंग टीम है उन्होंने एक प्लान किया आई वॉन्ट टू मेक माई प्रोडक्ट फेमिलर टू इंडियंस तो यार वो ऐसी क्या चीज़ करूं कि जिससे वो रिलेट कर सकें रिलीजन आप याद रखिए वेन एवर यू वॉन्ट टू टैप इंडियंस डाउन एक्चुअली पुट अ फिंगर ऑन देयर रिलीजियस सेक्शन यू विल विन द बैटल द बैटल इज़ हाफ वॉन्ट बस यहाँ पे वही है आप बहुत ध्यान से अगर पहली इमेज को याद करोगे तो वो वाटर है ग्राइप वाटर जो बच्चों के लिए दिया जाता है और फोटो किसका यूज़ किया है बाल गोपाल का कृष्ण जी बट छोटे वाले तो एज़ अ मदर मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ मेरे बच्चे से और बाल गोपाल तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं वो प्रोडक्ट से फेमिलियर हो जाता हूँ अब ये माचिस है या साबुन है उस पर लक्ष्मी जी का फ़ोटो है इस तरीके से भगवान के फ़ोटो वो यूज़ करते थे और हमसे फेमिलियर होते थे और हम वो प्रोडक्ट को बड़े अच्छे से खरीदते थे और सी इन चीज़ों को इन पोस्टर्स को हम कलेक्ट करते और अपना घर भी सजाते पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो था दिस इज़ हाउ इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेिस यूज टू अस। अब आ जाते हैं पर्सनेजेस मैं ज़्यादातर जब भी किसी स्कूल में जाता हूँ तो आई एक्चुअली लुक एट वॉल्स एंड सी कि वहाँ पे लीडर्स के फोटो होते हैं ना वट इज़ द वॉल्स आर डेकोरेटेड बाई द एब्सट्रैक्ट आर्ट एंड द मॉडर्न पेंटिंग्स परचेज फ्रॉम दी हाई एंड आर्टिस्ट एंड पेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब पर यह ट्रेडिशन बहुत पहले था अब नहीं है ना वाई दे यूज टू यूज़ द किंग और अ पर्सनैलिटीज़ फोटो ऑन अ प्रोडक्ट इट यूज टू गिव दैम अ सिंपल आंसर कि इट्स बिन सर्टिफाइड बाय दिस जेंटलमैन और अ मैन और अंग और अ लीडर दैट द प्रोडक्ट इज ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी शाहरुख खान जो साबुन यूज़ करता है वो हमें नहीं पता पर जो लक्ष्य के ऐड में वो आते हैं हमें लगता है कि वो यही यूज़ करता है तो हम भी यही यूज़ करेंगे वो अच्छी क्वालिटी ही होगी तो सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी इज डन बाय दिस पर्सनैलिटी दैट इज़ आवर पीपल यूज़ टू थिंक एंड अज्यूम और प्रोडक्ट वो बड़े धमाके से इंडियन मार्केट में बेचते थे फिर एक और चीज भी सो टू मेक यू अंडरस्टैंड द लास्ट टॉपिक आई गिव यू एन एग्जाम्पल देखो टॉपिक ये हेडिंग देखो क्या है एडवर्टाइजमेंट बाय इंडियन प्रोड्यूसर सी वी आर एन इंडियन मैन्युफैक्चरर एंड वी वांट टू सेल अर प्रोडक्ट इन द मार्केट बट देर इज एन कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन विद ब्रिटिश मैन्युफैक्चर जो मार्केट में होल्ड रखते हैं आपके पास क्या औजार है जिससे कि यू आर गोइंग टू टेक ओवर देम एग्जैक्टली वॉट बाबा रामदेव इज डूइंग टूडे पतंजलि प्रोडक्ट्स see what he is saying he is saying that if you are swadeshi if you are an indian buy an indian product this is what our producers used to do they used to say if you are nationalist or a ho then go for national product swadeshi product and this is your chapter age of industrialization please keep revising keep smiling take care